और R15 से फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफ रोडिंग किया, देख सकते हैं पूरा गांव का माहौल। ये सिम कार्ड मैं ले रहा हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर के साथ फोन पर बात भी कर सकूँ, तो आप लोग के लिए ये वाला सिम कार्ड है। हाय गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। फिलहाल हो रहा है सुबह का टाइम और मैं नहा धोके एकदम रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि फिलहाल मुझे जाना है, जो आप जानते हैं डीजे साजिद नाम का एक लड़का है, तो उसके पास मुझे जाना है, क्योंकि वो मुझे कॉल करके बोल रहा था बहुत दिन से नहीं मिले भैया, उधर फिलहाल जाएंगे उसके पास। साथ साथ उसके घर के पास में एक बहुत अच्छा लोकेशन है, वो हमको बहुत दिन से बोल रहा था एक बार इधर आ करके आप देखिए, बहुत अच्छा लोकेशन है, रील्स यहाँ पे बना सकते हैं, फिर फोटो शूट कर सकते हैं, तो वो लोकेशन भी हम लोग को देखना है। साथ ही साथ हम लोग और एक काम करेंगे जो कि आप लोग के लिए स्पेशली है, आज लेने वाले एक सिम कार्ड जिसका नंबर मतलब जिन लोग को जरूरत है मेरा नंबर का, तो मैं वो वाला नंबर मैं आप सभी को दूंगा, जिन लोग को जरूरत है उन लोग को, ताकि आप लोग मेरे से बात कर सके, अगर आप लोग का कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। तो मैं वो भी सोच करके रखा कि एक सिम कार्ड लेने वाले हैं, तो चलिए बहुत सारा काम है, फटाफट निकलते हैं उसका घर। गर्मी तो काफ़ बहुत ज़्यादा गर्मी, इतना गर्मी में कहीं निकलने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, काम को ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तो निकलते हैं फिलहाल, चलिए फटाफट और आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकेशन पर पहुंच चुके हैं हम लोग, देख सकते हैं पूरा गांव का माहौल, तो साजिद हमको यही लोकेशन भेजा था, इधर पहुंच चुके हैं हम लोग, देखते हैं वो लोग कब तक आता है, अभी वेट करते हैं। इधर का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ठंडा हवा चल रहा है पूरा, फिर गांव का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इधर आकर, देखते हैं कितना देर में वो लोग आते हैं, वेट करते हैं तब तक के लिए। 70 years later. तो फाइनली साजिद और उसके जीजा जी आ चुके हैं इधर, तो बहुत टाइम लग गया, साजिद नहा रहा था ना, इस साइड आ जाओ फ्रेम में, साइड अब रेडी हो रहा है, कैमरा वैमरा सब कुछ सेट हो रहा है, हम लोग का भी ब्लॉग रोल कैमरा एक्शन अभी इधर होगा, हाँ अभी इधर होगा सब कुछ, इसका वीडियो शूट होगा, ये भी ब्लॉग बनाएगा, ऑडियंस देख सकते हैं कितना भी इकट्ठा हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इतना सारा ऑडियंस इकट्ठा हो चुका है ऑलरेडी, यही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है गांव का माहौल, आप जब भी कुछ करते हैं सबको एकदम आ जाता है, बहुत अच्छा सा फीलिंग आता है। चलिए इसका फटाफट इसका वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे एक जगह जो आपको बोला एक काम है मेरा, तो वो काम करेंगे उसके बाद निकलेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो, और फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली गाइस शूट चल रहा है इधर, हम लोग का भी थोड़ा, हम लोग एक्चुअली व्लॉगर है ना, और देख सकते हैं R15 में ट्रिपल राइड, ये एक्चुअली मैं किसी को प्रेफर नहीं करता, लेकिन हम लोग जस्ट गांव का रास्ता देख सकते हैं, एकदम खुला रास्ता, तो इधर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, तो इसलिए हम लोग ट्रिपल राइड मजबूरी में कर रहे हैं, मैं किसी को प्रेफर नहीं करूंगा कि ट्रिपल राइड करने के लिए, स्पेशली ऐसा स्पोर्ट्स बाइक पर, लेकिन हम लोग थोड़ा मजबूर है, थोड़ा आगे तक ही जाना है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर जैसा होगा, और पूरा गाँव का खाली खाली रास्ता, रास्ता भी दिखाएंगे आप लोग को, तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग। ये मेरा गांव का रास्ता है, जो कि मेरा गांव से 2 किलोमीटर, आपको पहले भी बता चुके हैं कि गांव से मेरा 2 किलोमीटर रास्ता है, आपको बस बाइक है तो ठीक है, नहीं तो आपको पैदल ही जाना होगा 2 किलोमीटर, कुछ भी कीजिए। तो आज आकाश भाई का वीडियो में भी बता रहे हैं कि आज आकाश भाई साथ में हम लोग लेने के लिए आया था, थोड़ा स्पेशल चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो एक जगह रुके इधर गांव का सीन दिखाने के लिए, देख सकते हैं इधर गाय है, गाय चर रहा है, देख सकते हैं उधर, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देख करके ना, एक दिल को सुकून मिलता है, लगता पूरा। तो अभी हम लोग जाएंगे उधर, उधर एक अच्छा सा लोकेशन है, साजिद के जीजा जी बोले उधर जाने के लिए, पत्थर जो आप देख रहे हैं पत्थर के पार उधर, चलिए देखते हैं कैसा क्या लोकेशन है, अच्छा अगर मिला तो रील्स बनाएंगे, फोटोशूट क्लिक करेंगे, फोटोज वगैरह, चलिए देखते हैं कैसा क्या। और जस्ट इधर का आप लोग लोकेशन चेक कीजिए कितना ज्यादा अच्छा है, शायद आपको विंड ब्लास्ट मिल रहा होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल है इधर, हवा चल रहा है ठंडा पूरा, चट्टान देख सकते, चट्टान के इधर हम लोग पूरा आए हैं, तो रील्स बनाएंगे हम लोग अच्छा, जो फोटोज क्लिक करेंगे, काफी ज्यादा अच्छा नजारा है, मतलब गाँव की तरफ आपको यही पूरा अच्छा अच्छा नजारा मिलता रहेगा। और उस साइड एक बार दिखा दीजिए जूम करके, उधर एक डैम है, शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वो देख सकते हैं उधर डैम है, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है पूरा शांत माहौल। चलिए फोटो शूट वगैरह होगा अभी यहीं पर,
हेलमेट हेयर देख सकते हो पूरा खराब हो चुका है। तो देख सकते हैं पीछे का लोकेशन कितना ज्यादा अच्छा है। और R15 से फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफ रोडिंग किया, मतलब बाइक लिया हुआ 2 महीना मेरा हो चुका है, तो 2 महीना में फर्स्ट टाइम मैं ऑफ रोडिंग किया R15 से ऐसा जगह पर, वो भी ट्रिपल राइड वहां तक था। उसके बाद जब हम पहाड़ में चढ़ाए गाड़ी को तब मैं साजिद थे, उनके जीजा वीडियो शूट कर रहे थे, तो थैंक यू वीडियो शूट करने के लिए इतना अच्छा। अच्छा साजिद कैसा लगा गाड़ी में बैठ करके? बहुत अच्छा लगा। स्टिकर ये सब कैसा लगा? बहुत मस्त मस्त है ना। हम पीछे में बैठे थे, पहाड़ में इसके पीछे वाला सीट वैसा ही लगता है पहाड़ में चढ़े हुए हम लोग, बहुत ज्यादा हाइट में है। और साजिद तो ना ऊपर ना नीचे, ऐसा जगह पर वो बेचारा बैठा हुआ था बीच में, ना धरती में ना सॉरी ना आसमान में ना धरती में, मतलब बादल में, बादल मटका हुआ था। तो चलिए अभी तो रील्स बनाएंगे कुछ अच्छा अच्छा, क्योंकि बहुत तगड़ा लोकेशन है, पता नहीं कैमरा कितना जज करा बट काफी ज्यादा अच्छा लोकेशन, तो इधर रील्स तो बनता है, रील्स बनाता है, फिर निकलेंगे हम लोग कुछ लेने के लिए, कुछ काम है। तो और एक बड़ा अनाउंसमेंट गाइस कि मैं और एक चैनल ओपन किया हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग मेरा डेली लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं वो लोग वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, मैं मेरा पूरा डेली लाइफस्टाइल शेयर करूंगा। क्या बंगाली में? बंगाली चैनल, हाँ बांग्ला भाषा कथा बोलो। एक्चुअली मतलब बंगाली में अनेक, मतलब बहुत लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि बंगाली में वीडियो बनाए, और ये चैनल पर अगर मैं बंगाली में वीडियो बनाता हूँ तो ज्यादातर लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा चैनल का ऑडियंस मतलब हिंदी प्लस बंगाली दोनों है, तो किसी को समझ में आता किसी को समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं एक डेली व्लॉग चैनल ओपन किया हूँ और वो भी बंगाली में रहेगा। हिंदी में उतना कंटिन्यू करें क्योंकि हिंदी में जो व्लॉग होगा वो इस चैनल पर होगा और बंगाली में जो व्लॉग वो उस चैनल पर होगा। और बहुत को मुझे कमेंट भी करते थे कि डेली व्लॉग कीजिए आकाश भाई, मैं आपका डेली व्लॉग देखना चाहता हूँ, आपका डेली व्लॉग देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। लेकिन मैं डेली व्लॉग नहीं करता था, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरा फैमिली है बंगाली फैमिली, तो वो लोग हिंदी में बोलने के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होते। और डेली व्लॉग क्या होता है, मतलब हम लोग सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे हैं सब कुछ दिखा रहे हैं, फैमिली में क्या बातचीत हो रहा है वो सब दिखाता है, तो मेरा फैमिली में बंगाली में बातचीत होता है। और बंगाली में होने से क्या होगा कि घर में क्या बातचीत हो रहा है, फिर हम लोग मतलब मैं पापा मम्मी हम लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो वो सब भी हम व्लॉग में शो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिना कोई हेजिटेशन का मैं डाल पाऊंगा। तो इसलिए मैं और एक बंगाली चैनल ओपन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से, और रील्स भी बनाए, रील्स आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा आईडी आकाश चटर्जी 180, जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो आकाश भाई इधर सिम कार्ड ले, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का बंधन बैंक, और अभी सिम कार्ड लेना है यहाँ पर, यही वो दुकान है। अच्छा। आज पूरा गर्मी है, कल बारिश हो रही है, रात को थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो अभी जो कि लेना है अभी फ्रूट ही ठंडा, क्योंकि आकाश भाई आया है यार, आकाश भाई आया कुछ नहीं खिला तो कैसा लगेगा बताइए। फटाफट एक सिम कार्ड, क्योंकि मेरा पहले वाला जो एक फोन था तो वाला फोन मतलब खराब हो गया और सर्विस सेंटर में रखा हुआ, सिम भी उसके अंदर है, तो आप से बहुत कोई जो लोग मेरा नंबर चाहते हैं तो उन लोग के लिए स्पेशली ये सिम कार्ड मैं ले रहा हूँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर के साथ फोन पर बात भी कर सकूँ, तो आप लोग के लिए वाला सिम कार्ड है। सिम वगैरह सब कुछ परचेस कर चुके हम लोग, साजिद का एक गिफ्ट लेना था, गिफ्ट भी ले चुका है, तो अभी निकलेंगे हम लोग घर, हम लोग नहीं मैं निकलूंगा, ये लोग जाएंगे अपना घर, मैं जाऊंगा अपना घर, हाँ अपना अपना रास्ता अभी। तो चलिए घर पहुंचने के बाद मिलते हैं सीधा आप लोगों के साथ, फिर वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपना घर, अभी चलते हैं घर के अंदर, बहुत गर्मी है, फुल बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुका है। चलिए बाइक को रखते हैं और चलते हैं घर के अंदर। फाइनली पहुंच चुके हैं घर, और बाप रे बाप क्या ही गर्मी था, सेकंड हाफ पूरा अंधेरा हो गया, हाँ अब ठीक है, अंधेरा हो गया था, टेम्परेचर आज कम से कम 40 डिग्री तो हो गए, 40 आराम से हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मत ही पूछिए, बहुत खतरनाक वाला गर्मी। तो बस यही था गाइस आज का पूरा वीडियो, आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा, मेरे चैनल का नया वाला चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फैन ऑफ करते हैं नहीं तो
फैन का ये आवाज आएगा, फिर यूट्यूबर का लाइफ थोड़ा आराम से बैठ भी नहीं पा रहे वीडियो के चक्कर में। तो अगर पूरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से हमारे चैनल को आप लोग विजिट करके देखिएगा। मेरा नया व्लॉग चैनल आपको आई होप कि अच्छा लगने वाला है। और हाँ, जो मैं सिम कार्ड लिया हूँ ये वाला नंबर मैं सभी को नहीं दूंगा, जिन लोग का मतलब इमरजेंसी एकदम बहुत ज्यादा जरूरत है उन लोग को मैं वाला नंबर दूंगा, क्योंकि अगर मैं सबको बांट दिया तो कॉल पर कॉल आते रहेगा। जिन लोग का काम है ओरिजिनली, जिन लोग का जरूरत है उन लोग को मैं वाला नंबर दूंगा। तो वीडियो को बस हम लोग गाइस यहीं पे एंड करते हैं, पूरा हालत खराब हो चुका है, वीडियो बनाने का कुछ भी एनर्जी नहीं है। तो बाय बाय फॉर टुडे, एजुकेशन नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय।